आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्टॉक बाजार में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम हर रोज़ ऐसे वीडियो लाते हैं जिसमें आपको अगले दिन के लिए स्टॉक बताते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं फ्राइडे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो पहला स्टॉक यहाँ पे देखे तो वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की हम बात करने वाले हैं, जो कि आप साफ साफ ये लाइन देख रहे हो वो मूविंग एवरेज है, वो राइजिंग दिख रही है एंड प्राइस अभी उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर, उसके बाद हम उसमें एंट्री के बारे में सोचेंगे। एंट्री के बारे में अगर आपको बता दें तो ये अगर आपकी कैंडल होती है तो इस कैंडल के यहाँ पे हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी एंड लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो यहाँ पे ऊपर आई कार्ड में से देख सकते हो, उसमें हमने बताया हुआ है। तो अगला स्टॉक देखे तो वो है यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे मूविंग एवरेज अच्छी तरीके से चल रही है राइजिंग एंड अभी प्राइस उसी के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कई कैंडल में यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है एंड लास्ट कैंडल में यहाँ पे मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी एक तो ये लाइन जब भी ब्रेक होगी तो उसके बाद हमारी एंट्री वैसे भी बनने वाली है। तो यहाँ पे अब इस ग्रीन कैंडल को भी आप कंसिडर कर सकते हो, फिर फ्राइडे के दिन एक और अच्छी ग्रीन कैंडल बने तो उसके बाद हमारी एंट्री बन सकेगी। अगला स्टॉक अगर देखें तो वो है ITC। उसमें भी मूविंग एवरेज राइजिंग चल रही है, प्राइस उसी के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना होगा अगले ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद हम इसमें एंट्री के बारे में सोचेंगे। अगला स्टॉक यहाँ पे देखें तो वो है लार्सन एंड टूब्रो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मूविंग एवरेज एक तो राइजिंग चल रही है, इसके अलावा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो आज ब्रेक हो चुका है एंड उसके बाद यहाँ पे पुल बैक सा दिखाता हुआ शेयर अभी उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के चल रहा है। तो यहाँ पे दो कन्फर्मेशन हमारे लिए मिलती है, एक तो मूविंग एवरेज उस ऊपर से प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल को आप कंसिडर कर सकते हो या फिर एक और कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करके यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो लार्सन एंड टुब्रो को आप ज़रूर यहाँ पे रडार पे रखिएगा। अगला स्टॉक है मारुति सुजुकी। उसमें यहाँ पे देखोगे तो मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से राइजिंग है। आज पूरा का पूरा दिन मारुति का शेयर ऊपर रहा था, अभी मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना होगा, उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी। अगला शेयर है UPL। तो उसमें भी मूविंग एवरेज राइजिंग है, प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे नज़दीक में ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर हम इसमें एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगला शेयर देख लेते हैं, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। तो उसमें भी मूविंग एवरेज राइजिंग चल रही है, प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है एंड ग्रीन कैंडल जैसा हमने कहा वैसे बनाता है तो हमारी एंट्री इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ आपको फ्राइडे के लिए स्टॉक्स बताया है तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसमें कैसे एंट्री करनी है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है वो भी हमने बता दिया। अगर आपको और भी डिटेल्स में इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है, क्वांटिटी के बारे कैसे गिननी है वो जानना है तो वो आप यहाँ पे वीडियो के एंड में आपको लिंक दी होगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।